बांग्लादेश में हिंदुओं से पाकिस्तानी सलूक क्यों हो रहा है? तोड़ दिए गए 15 मंदिर, लुट गए हिंदुओं के 100 घर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कब तक होगा अत्याचार? सीरिया, इराक और यमन का मुद्दा उठाने वालों को बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? बांग्लादेश को पाकिस्तान कौन बना रहा है? आज हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं से पाकिस्तान जैसे सुलूक की खबर दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का हाल कोई नहीं पूछता। कल जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तब पड़ोसी बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा था। ये खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन टूटे मंदिरों और मूर्तियों की तस्वीरें देखकर लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए हमने कई तस्वीरों को धुंधला कर दिया है। टूटे हुए मंदिर और मूर्तियों की तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते। सनातन धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जी मीडिया ने बांग्लादेश से आई इन आपत्तिजनक तस्वीरों को धुंधला कर दिया है। कल जब आप दीपावली की तैयारियों में लगे हुए थे, तब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ पाकिस्तान जैसा बर्ताव हो रहा था। रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर ब्राह्मण बड़िया में 15 मंदिर और उनमें मौजूद मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद 100 हिंदुओं के घरों को तहस नहस कर दिया। रविवार को ब्राह्मण बड़िया में हुए हमले के बाद बांग्लादेश के हबीबगंज के माधवपुर में भी 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ये हमले हुए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हिफाजत इस्लाम और अहले सुन्नत से जुड़े लोगों ने ब्राह्मण बड़िया जिले के नासिर नगर में विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारी फेसबुक पोस्ट लिखने वालों को मौत की सजा देने की मांग कर रहे थे। सबसे पहले ब्राह्मण बड़िया प्रेस क्लब के सामने कुछ मदरसा छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मुख्य सड़कों को बंद कर दिया और टायरों में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद भीड़ मंदिरों की तरफ बढ़ गई। भीड़ में मौजूद लोगों के पास हथियार थे। ब्राह्मण बड़िया के एसपी मिजानपुर रहमान के मुताबिक हथियारों से लैस सैकड़ों लोगों ने दत्तुवाड़ी, नामशुदापारा, घोषपारा में मंदिरों को तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जगन्नाथ मंदिर और गौरा मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। इस हमले में कई पुजारी भी घायल हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हिंदू बस्ती में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। एसपी मिजानपुर के मुताबिक जमात इस्लामी और इसका छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर हमले के लिए जिम्मेदार है। हमले के बाद यहां रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं। रविवार की घटना की शुरुआत शुक्रवार को फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट के बाद शुरू हुई। रसराज दास ने फेसबुक पर कुछ कमेंट लिखा जिसे इस्लाम विरोधी माना गया। ईश निंदा के आरोप में पुलिस ने रसराज को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक पोस्ट के खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात नाम के संगठन ने प्रदर्शन किया। हमले के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के एक प्लाटून को तैनात कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया है। अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले साल 2013 और 2014 में भी बांग्लादेश में जमात इस्लामी और कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया था। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश अब पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है, लेकिन दुनिया को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो देश में हिंदू आबादी वाले 3 सबसे बड़े देश हैं।
जिनमें भारत नेपाल के बाद जो नंबर आता है तीसरा, वो बांग्लादेश का है। लेकिन जिस रफ्तार से बांग्लादेश में हिंदू आबादी कम हो रही है, या कहें कि चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर, अत्याचार वहां हो रहा है, ऐसा लगता है कि जल्द ही बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। सुभाष चक्रवर्ती बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचारों के साक्षात गवाह है। इन्हें 35 वर्ष पहले बांग्लादेश छोड़कर परिवार समेत भागना पड़ा। हिंदू के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षित कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कोई बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल पार्टी, वो भी बांग्लादेश के हिंदू के लिए उधर नहीं है। सुभाष चक्रवर्ती की तरह ऐसे हजारों हिंदू परिवार हैं जो बांग्लादेश में अत्याचार की वजह से अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा ही एक परिवार मधुसूदन और स्नेहा बाला का है, जो 1970 में बांग्लादेश से भागकर भारत आ गए। लड़की बहुत सुंदर है, उसको उठाना है, ऐसे बोल रहे थे। तो पापा घर में आके मम्मी को बोला, लड़की को और पेपर का कोई जरूरत नहीं है, उसको शादी दिलाना है, जैसे लड़का है शादी दिला दो। हमारा खुद ही भतीजी मुकुंद बाला का लड़की बगरट कॉलेज से आ रहा था, तो वहाँ से रास्ता से उठा के लिया। इसी हालत सुनने के बाद मैं 2 महीना तक मेरा नींद हराम कर दिया था। 1947 में बंटवारे के बाद से पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को निशाना बनाना शुरू किया। 1947 में बांग्लादेश के इलाके में जो हिंदू आबादी 28% थी, वो बांग्लादेश बनने के बाद 1981 में हुई पहली जनगणना में सिर्फ 12.13% ही रह गई। बांग्लादेश में अभी एक हिंदू समाज है, पर उसका ऊपर जो अत्याचार और ज़्यादा जो प्रेशर है, उसके लिए हर साल में हजारों लोग भारत में आ रहे हैं। 1977 में बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द हटा दिया गया और 1988 में खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार एक बड़ा मुद्दा बना था। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या गुनाह है बांग्लादेश में रहने वाले उन परिवारों का? साल 2013 और 2014 में बांग्लादेश में लगातार जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। इस हिंसा पर बांग्लादेश की अदालत में पुलिस ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक बांग्लादेश के 21 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 160 घटनाएं हैं। हिंदुओं की 40 लाख बांग्लादेशी टका की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकानें जलाए गए, उनकी संपत्ति की लूट हुई। हमारे यहाँ नेताओं, बुद्धिजीवियों और लेखकों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, लेकिन क्या इन बुद्धिजीवियों ने पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ कहा है? आखिर दुनिया को हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई पड़ता? सवाल ये भी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? पवन नारा के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।